भाई क्या धो क्या रहे हैं आप यार, खुदा का खौफ खाए। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। आपको पिछले दफा भी आपको अलग में हड्डी फंस गई थी और आपकी जान जोखिम में पड़ गई थी। आज आखिरी दिन इनका बकरी मतलब क्या जीत है, सो तो आज ये लोग कुर्बान हो जाएंगे। और ये अभी सफाई इसलिए मैंने निकाला था इसको बाहर पतंग चला। तो अंदर चल रही है इस टाइम सफाई। तो अभी ये रात को जो दो नए बकरे लाए थे ना वो दिखाता हूँ आपको। टाइम के टाइम लाए थे क्योंकि पालना बहुत मुश्किल है यार, एक नहीं पाला गया मेरे से तो बाकी क्या मैं करता। तो एक ये था और एक ये दूसरा, आपस में ये इस तरह लड़ते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई नहीं होती, उस तरह लड़ रहे होते हैं आपस में। इनकी तीनों की आपस में ना एक दूसरे के साथ ही बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब बकरा जो हमारे वाला था ना वो तो कुर्बान हो चुका है, बाकी आपको मैं दिखाता हूँ उसका सीन। Approximately 10 hours later. पानी काट कूट के बांट के सब कुछ काम वगैरह करके अब फ्री हो गया बाएं कजन की तरफ। तो भाई यहाँ बारबेक्यू पार्टी है। तो इर्जन भाई यार क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं दम पुख्त। किस चीज़ का? मटन का। चुप कर बे कुत्ते। ये मटन तो आ गया, साथ से चटनी भी आ गई, कढ़ाई भी आ गई। तो अभी फाइक भाई क्या धो क्या रहे हैं आप यार? पिट्ठी। समझ रहे हो आप जी। खुदा का खौफ खाए क्या? सीरियस इन्हें मुड़वाना डीएसए। पिछली दफा तो मैंने सुना है कि हमारी हांडी जल गई थी सारी। ये आपने गलत तरह की खबरें सुनते हैं, फिर आप कहते हैं मुझे, फिर आपने रोटी खिलाई मुझे, क्यों निकाला? आपने तारीफें करनी है। फिर म्यूजिक चलेगा, तारीफ करेंगे के अफगानिस्तान के तालिबान गोश्त खाने को मिले आपको? पिछले दफा भी आपको अलग में हड्डी फंस गई थी और आपकी जान जोखिम में पड़ गई थी। गजब बेइज्जती है। हम सर एहतियातन कर रहे हैं जरा। नहीं तो फिर तेनू पता ना डिक्की से बदला पर दर्द। चुप कर बे कुत्ते। नए साल का एक्सपीरियंस है कुकिंग का ये मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह से 14 दिन का खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। 14 दिन का माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि टोटल मिला के 10 सालों में 14 बारी कुकिंग की थी। अच्छा 15 सालों तो दुकान है साडी इधर, पहले वड्डे भाजी साहब चलाते सन, हुण मैं बनाण लिया। इस तरह लग जाना जे 4 माण दा पतीला लाईदा ते 5 मिनट दा मुक जांदा। इसमें हमने उम्मीदें और आसें अपनी डाल दी हैं
और साथ में चर्बी की एक तह लगाई है उसके ऊपर हमने आलू लगाए हैं। अच्छा, आलूओं के ऊपर फिर हमने नमक को गोश्त के ऊपर नमक लगा के गरश गोश्त लगाया। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने एक प्याज रखा है, फिर हमने इसके अंदर एक लहसुन की पूरी पूरा एक पीस लहसुन का फाड़ा पूरे रखा है। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर हमने मिर्चें, उसके ऊपर हम नींबू का छिड़काव कर रहे हैं क्योंकि नींबू जो है नींबू जो होता है ये गोश्त को गलाने का काम करता है। नचिया चर्बी गोश्त, उसके बाद मिर्चें, लहसुन, प्याज वगैरह और नींबू वगैरह डालने के बाद इसको आखिरी फिनिशिंग एंड दे दिया गया है। इसको आटा लगाया ऊपर ऊपर नीचे इसके आटा और दरमियान में प्लेट और इसको बंद कर दिया। खुल जाएगा। ये हमारा कढ़ाई से पहले खाना है क्योंकि हमें कोई पता नहीं था कैसे बनेगा कैसे नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बनाया था तो वो सारा जल गया था, इसलिए फिर हमने ये डिजर्व में। 2 hours later भात बचाई तो तू काम सही कर कमाल हो गया यार, ये है सुथरा काम। जिंदगी में दूसरी जगह कामयाबी कोई बात नहीं, चलो बच्चो बंद करो गेम में, शेमे आ जाओ सारे, लेकिन एक सेकंड बहुत आला जबरदस्त। ओके मुनान देना जिंदाबाद मेरे पुत्र, मजा ही आ गया। चुप कर बे कुत्ते। यार ये था आज का व्लॉग, आई होप सो आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।